10 बरस के पूरे हो रहे हैं और ये मेरे लिए और आप सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। पास होने के बाद शासन द्वारा इसको चलाने की अनुमति हुई थी। हमें हमारे बहुत सारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें याद होगा, बाकी लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश करते थे कि ये डिग्री मान्यता प्राप्त है नहीं है, यहाँ से डिग्री लेंगे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। अलग अलग तरीके के जो यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे थे उनको समझाया गया कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री है, ये इक्वल नहीं होगी सरकारी डिग्री के। तो 1 साल तक 6 महीने तक इन तमाम चीज़ों को हम लोग यही लोगों को समझाते रहे कि इट इज एज गुड एज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। धीरे धीरे ये सब बातें खत्म हो गई और भगवान की कृपा से और आप सब लोगों की मेहनत से कभी ऐसा नहीं हुआ 2014 से और अब तक जब हमने किसी निर्णय को लेने के बाद ये सोचा हो कि ये निर्णय ठीक नहीं था या ये गलत था। सभी निर्णय जो तत्कालीन समय और परिस्थितियों को देखकर लिए गए वो कामयाब साबित हुए। नतीजे के तौर पर आज न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का अपना एक मुकाम है। पूरी दुनिया में हम लोग जाने जाते हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि जो बच्चे हमारे 2001 से जब हम यूनिवर्सिटी नहीं भी थे वो भी आज इसको जहाँ है वो इसका नाम ऊंचा कर रहे हैं। लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए के पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जो टीचर्स आज हमारे साथ हैं जो आगे जुड़ेंगे जो अब तक जुड़े हैं, एक ही बात है कि सबका एक ही प्रयास रहता है कि हम इसे आगे बढ़ाएं। मैं काफ़ी दिन के बाद आप लोग से रूबरू हूँ, पर मैं 2014 में जैसा था 2020 में भी वैसा ही हूँ और कोशिश करूँगा कि जब तक आपके साथ रहूँ ऐसे ही बना रहूँ और इस यूनिवर्सिटी को हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी और दुनिया की यूनिवर्सिटी में एक मुकाम तक इसको पहुँचा सकूँ। आप सबको आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। कोरोना से अपना बचाव रखिए, अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यूनिवर्सिटी के हमारे आज 12 साल हमारे पूरे हुए हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग उस टाइम हमारे साथ थे उसमें से मैक्सिमम लोग आज भी हमारे साथ हैं, जिनके प्रयासों से और जिनके बलबूते पे हम आज इस यूनिवर्सिटी को और ज़्यादा ऊंचाइयों पे और ज़्यादा इसको आगे ले जा रहे हैं। रियली हम उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं। पूरा टीएमयू परिवार उनके लिए ग्रेटफुल है कि वो लोग अपने तन मन से लग करके इस यूनिवर्सिटी के बारे में सोचते हैं और इस यूनिवर्सिटी को आगे कैसे ले जाएँ उसके लिए अपना प्रयास करते हैं। इस साल हम लोग सबसे बड़ी हमारे लिए चैलेंज है कोविड-19 जो है वो हमारी हॉस्पिटल की हमारी पूरी टीम, चाहे वो डॉक्टर्स हों, स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, कोई भी हो, वो बेचारे अपने पूरे तन मन से लग करके कोविड-19 का मुकाबला कर रहे हैं। मैं अपने पूरी मेडिकल टीम के जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी लोग जो उसमें लगे हुए हैं उन सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी प्रकार से वो लोग लगे रहे। उनके प्रयास रियली मतलब काउंटेबल है कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने घर को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कोविड-19 का जो चैलेंज है उसका डट करके मुकाबला कर रहे हैं। वी हैव अ लॉट ऑफ माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, बट वी हैव डेफिनेटली कम फार एंड वी नीड टू टेक प्राइड इन द फैक्ट दैट वी हैव कम सो फार। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ऑल्दो we can say that these efforts can be attributed mainly or in a lot of part to one person or to a team of persons, but I think it is important to credit all of us, all of you who are present here, and everyone who has worked here in the past, who is working here in the present, and who will even work here in the future. I wish everyone a very, very happy Foundation Day. And we wish that next year we are going to double down on the celebration. And जैसा मैंने कहा, लड्डू के पैकेट 1 नहीं 2 मिलेंगे सबको। और सेलिब्रेशन भी हम चाहेंगे कि इससे 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 डबल जोश में हो, उससे और अच्छे जोश में हो। और जब 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 ऐसा टाइम अच्छा सा आए कि हम नॉर्मली एक ऑडिटोरियम में अपने इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ ये बातें कर सकें और यूनिवर्सिटी को और कैसे अच्छा बनाया जाए, उन सब बातों पे चर्चा कर सकें, ये जब टाइम आएगा तो हम उसके लिए डेफिनेटली वेट करेंगे। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ पे सब आए, हम लोगों को सुना, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।